सो हे गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ एंड बहुत ही कम सुनने में आता है कि अपना हीरो हार गया है, बट यकीन कीजिए ये बहुत ही कॉमन बात है। यकीन नहीं आता तो किसी गेम और उसके प्रोटैगनिस्ट का नाम सोचिए। क्रेटोस, वो भी कई बार हार चुका है। डांटे, वो भी कई बार हार चुका है। गैब्रियल, वॉर, एलेक्स, यहाँ तक कि असुरा भी कई बार हार चुका है। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे, बट हारा तो है ना। वेल गाइज, इस वीडियो में हम उन टॉप 5 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अब तक हिस्ट्री में कभी नहीं हारे हैं और शायद इन फ्यूचर कभी नहीं हारेंगे और इन्हें कभी हराया भी नहीं जा सकता अपने यूनिवर्स में। ऑफकोर्स ऐसे टॉप 5 कैरेक्टर जिनको अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी देख लें तो भी हमें लगता है अरे यार ये तो इसे हैंडल कर लेगा, कोई बड़ा शॉट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं और हमने देखा है कि वो क्या कर सकता है और वो कभी हारा ही नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हमारा 5th नंबर वाला कैरेक्टर जो टॉप अनडिफीटेबल कैरेक्टर्स की लिस्ट में है, उसका नाम है जिन कजामा। इसकी एक बार हिस्ट्री में नजर मारिए और बताइए ये कब हारा है। जिन एक हार्डकोर फाइटर है, वो 3 डिफरेंट टाइप के मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर चुका है और वो कैसे भी सिचुएशन हो वो उस कॉम्बैट में अडॉप्ट हो सकता है। यहाँ तक कि हेहाची ने उसे बिट्रे किया और उसके सर पे गोली मार दी, फिर भी वो नहीं हारा। जिन ने काजोया, हेहाची, ओगर, जिनपाची, मिशमा और भी बहुतों को मारा है जिनके सामने जिनका कोई स्टैंड ही नहीं बनता था। ये बंदा ऐसे ही किंग ऑफ आयरन फिस्ट बन के नहीं बैठा है, ये जैसे ही किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट पे आया ये सबको हराता ही चला गया। ये कभी भी एक भी मैच नहीं हारा है, कभी भी किसी ने इसको 1-on-1 कॉम्बैट में नहीं हराया है। इसने अजाज़िल को भी सिर्फ एक पंच से ही एग्जिस्टेंस से ही हटा दिया। अब आप सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता कि टेगन 8 में भी हारेगा। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो अनडिफीटेबल कैरेक्टर टॉप 4 पे है उसका नाम है जेम्स हेलर। जेम्स और उसकी पावर्स तो कमाल के हैं ही, बल्कि उसके फीट्स भी कमाल के हैं। उसने प्रोटोटाइप 1 के प्रोटैगनिस्ट यानी एलेक्स मर्सर को हरा दिया। वो एक हेलीकॉप्टर को एक पंच से उड़ा देने से लेके एक बिल्डिंग जितनी बड़ी छलांग लगा सकता है। जेम्स को कोई हरा नहीं सकता। और अगर आपका ख्याल है उसके खिलाफ कोई वेपन यूज करने का तो भूल जाइए, क्योंकि उसकी बॉडी ही एक बायो वेपन है। वो अपने हैंड्स को किसी वेपन्स में कन्वर्ट कर सकता है। जेम्स के खिलाफ आप सिर्फ वेपन ही नहीं बल्कि बायो वेपन्स भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजीज एंड पॉइजन रेजिस्ट है, तो जहर देके मारने के बारे में तो भूल ही जाइए। अगर आप होल्ड करते हैं बहुत सारी ताकत तब आप इससे लड़ने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो भूल जाइए कोई भी टेक्निक, कोई भी ट्रिक इसके खिलाफ काम नहीं आएगी, क्योंकि ये हर ट्रिक जानता है। ये किसी भी एनिमी को कंज्यूम कर सकता है और कंज्यूम करने के साथ साथ सिर्फ ये उसका फॉर्म ही नहीं उसकी मेमोरीज भी ले लेता है। तो उसको पता है इस सिटी के किस कोने में क्या चल रहा है और आप क्या प्लान बना रहे हैं इसके खिलाफ। जेम्स आज तक नहीं हारा और मुझे नहीं लगता कि कभी हारेगा। अब बात करते हैं उस टॉप 3 कैरेक्टर की जो आज तक कभी नहीं हारा। कॉम्बैट क्या बैटल्स में तो नहीं, इस बंदे को मारा भी गया तो ट्रिक से। यस, डेफिनेटली ये बंदा है एडवर्ड केनवे, कैप्टन ऑफ जैकडो, आल्सो नोन एज असैसिन। डेफिनेटली ये डिजर्व करता है इस लिस्ट में। एडवर्ड उन कैप्टन्स में से एक है जिसकी शिप को आज तक कोई भी सिंक नहीं कर पाया है, यानी उसकी शिप को आज तक बैटल्स में तो नहीं डुबाया गया है और ना एडवर्ड कभी भी फाइट में हारा है। ये बंदा हमेशा ही जीत जाता है। मैं भी कभी कभी शॉक्ड रहता हूँ कि गोली खाने के बाद भी खड़ा कैसे है। फाइटिंग के मैटर में ये बंदा बहुत ही ढीठ है। ये बंदा अगर किसी एनिमी के पीछे पड़ गया तो समझो खत्म। इस बंदे को अगर कुछ चाहिए तो समझो वो मिल गया, नो मैटर इसके सामने पूरी आर्मी भी क्यों ना हो। वेल, एडवर्ड को बहुत सारे लोगों ने स्टैब करने की कोशिश की, इसके क्लोजेस्ट फ्रेंड ने भी इसे मारने की कोशिश की और इसके पीछे बहुत ही ह्यूज टेम्पलर आर्मी पड़ गई थी, लेकिन तब भी ये उस एम्बुश से बच पाया। इसे एक वीरान आइलैंड पे छोड़ दिया गया ऐसे दोस्त के साथ जिसने इसे बिट्रे कर दिया, लेकिन तब भी इसने उसे मारा और उस आइलैंड से बाहर निकला। ये असैसिन आइलैंड पे अकेला ही घुस गया और वहाँ जिंदा बचा रहा। इसने से अपने साइज के 2 या 3 गुने बड़े शिप्स को भी डुबाया है सिर्फ अपने दिमाग के मदद से और अपने लीडरशिप की वजह से। एडवर्ड केनवे उन कैरेक्टर्स में से एक है जो अगर अकेला भी पूरी आर्मी से लड़ रहा हो तो भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हाँ हम ये बैटल जीत सकते हैं। हमारा जो कभी न हारने वाला कैरेक्टर टॉप 2 पर है उसका नाम है ड्रैगन बॉर्न। यस, ये वही कैरेक्टर है जो अब तक के गेमिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉर्टल कैरेक्टर है। यस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉर्टल कैरेक्टर। इसकी पावर के क्या कहने, अगर मैं इसकी पावर एक एक करके बताऊं तो शायद घंटों निकल जाएंगे। और मैंने इसको टॉप 2 पे क्यों रखा है ये बात आपको तब पता चलेगा जब आप इस गेम को खेलेंगे और इसे क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे। डार्क ब्रदरहुड क्वेस्ट में असैसिन लीडर ने हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तो इम्पॉसिबल थे।
असैसिन लीडर हमें जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट दिया करता रहा ताकि हम वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो कर लें पर वहाँ से हम वापस ना आ पाए। जैसे किंग की वेडिंग में किंग को मार देना, पूरी आर्मी से अकेले लड़कर किंग को मारना, सुनने में तो यही लगता है कि हाँ ये बंदा ये काम कर देगा पर वो नो रिटर्न पॉइंट होगा, वहाँ से वो जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। और असैसिन लीडर ने भी यही सोचा था पर इसने उसे गलत प्रूफ कर दिया, ये हर बार हर कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस आ जाया करता था। स्काइरिम के सिविल वॉर क्वेस्ट में हमें इंपीरियल लीजेंड ज्वाइन करना था और उसको ज्वाइन करने के लिए जनरल ने हमें इतना हार्ड मिशन दिया ताकि हम कभी इंपीरियल लीग में ज्वाइन ही ना हो पाए, बट हमने पूरे कासिल्स के एनिमी को अकेले ही खत्म किया और वहाँ से वापस आ गए और ये प्रूफ किया कि हम कभी नहीं मर सकते हैं। इस बंदे के ब्लड में ड्रैगन का खून बह रहा है बट इसकी बॉडी ह्यूमन की है, ये ड्रैगन्स की लैंग्वेज में बात कर सकता है और शाउट कर सकता है। इसे मॉर्टल तो छोड़िए इमॉर्टल ड्रैगन भी नहीं हरा पाए। इस बंदे ने अकेले ही पूरे स्काइरिम की वॉर को खत्म कर दिया और उल्डाइन को अकेले ही डिफीट किया। ये वो बंदा है कि अगर ये पूरी आर्मी से अकेले लड़ने जाए भी तो भी आप इस पे आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये अकेला ही वापिस आएगा और उन सारी आर्मी को मार कर आएगा। दिस इज द रीजन ये कैरेक्टर कभी नहीं हारा है और ना फ्यूचर में हारेगा। हमारा जो कभी ना हारने वाला कैरेक्टर टॉप पे है उसके बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे। यस, वो है अपना प्रिंस ऑफ पर्शिया। वेल, ये टॉप पे क्यों आया? ये फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे आ सकता था तो टॉप पे ही क्यों? क्योंकि प्रिंस एक ह्यूमन है और वो अपने से काफी काफी ज्यादा ताकतवर एनिमी से भी लड़ाई करता है। जहाँ बात करें जेम्स हेलर, ड्रैगन बॉर्न इन सब की, तो ये सब सुपर ह्यूमन लेवल की पावर कंटेन करते हैं। और अगर बात करें एडवर्ड की तो वो भी एक ह्यूमन ही है बट वो ह्यूमन एनिमी से ही लड़ाई करता है, बट जहाँ बात करें प्रिंस की तो ह्यूमन है, उसके पास अपनी कोई पावर नहीं है बट वो लड़ता है तो अपने से चार या पांच गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज से। प्रिंस ऑफ पर्शिया टू थ्रोन्स में पूरी सैंड मॉन्स्टर्स की आर्मी उसके खिलाफ थी और लिटरली वो अकेला था, लेकिन वो उन सबसे लड़ाई करते करते लास्ट में वजीर को मार ही दिया। चलिए टू थ्रोन की बात छोड़िए, बात करते हैं वॉरियर विदिन की। प्रिंस को बता दिया गया था कि वो मरने वाला है, प्रिंस को पता था कि वो मरने वाला है। प्रिंस के सामने कई बार मौत आई ढाका के रूप में और प्रिंस को पता था कि वो अपना फेथ चेंज नहीं कर सकता, उसे मरना ही होगा, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो अपना फेथ चेंज करके रहेगा और वो ढाका को डिफीट कर दिया जो सैंड टाइमलाइन का गार्डियन है। उस टाइम पे जब सब होप हार जाते हैं प्रिंस की होप शुरू होती है। चलिए ढाका और वजीर की बात छोड़ दीजिए, बात करते हैं प्रिंस के दोस्त मलिक की जो एक बहुत ही बड़ा सैंड मॉन्स्टर बन गया था और प्रिंस और उसकी ताकत का कोई मैच ही नहीं था, लेकिन तभी प्रिंस ने उसे डिफीट कर दिया जहाँ प्रिंस का कोई स्टैंड भी नहीं बनता था। पूरी आर्मी मलिक के आगे हार गई लेकिन प्रिंस ने उसे डिफीट किया। अब आप ही बताइए प्रिंस कब हारा है? कभी नहीं। प्रिंस कब हारेगा? कभी नहीं। प्रिंस उन कैरेक्टर्स में से एक है जो ह्यूमन लेवल की पावर रखने के बाद भी सुपर ह्यूमन पावर रखने वालों को आराम से हरा देते हैं। यस, आराम से। कोई भी बाधा या कोई भी प्रॉब्लम प्रिंस के सामने आए तो प्रिंस बहुत ही इजिली उसे सॉल्व कर लेता है। यहाँ तक कि प्रिंस ने अपने अंदर के करप्शन को भी खत्म किया डार्क प्रिंस को हराकर। प्रिंस कहीं भी ट्रैप हो जाए वो बार बार वापस आता रहता है, बिल्कुल जॉन फ्रीक मेरा मतलब विक की तरह। सो गाइस, ये लिस्ट यही खत्म होती है। मैंने ऐसे कैरेक्टर्स के नाम बता दिए जिन्हें कभी हराया नहीं जा सकता, 1v1 कॉम्बैट में तो बिल्कुल भी नहीं। ये कैरेक्टर्स हर बार ट्रैप्ड हुए हैं, इन्हें हर बार बिट्रे किया गया है और ये कई बार मरने तक के सिचुएशन में आ गए थे लेकिन तब भी ये हारे नहीं। और अगर फ्यूचर में इनपे कोई गेम बनता है तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कोई इन्हें हरा पाएगा। एंड गाइज, आप कुछ ऐसा करें कि आपके स्क्रीन पे वो वाला रेड बटन बिल्कुल सफेद दिखने लगे। अब आप क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता बट वो सफेद या ग्रे दिखना चाहिए, क्या समझे? सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।